मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की प्रबंधन शाखा ने 33 जिलों को ट्रैफिक इंटरसेप्टर व्हीकल प्रदाय किए गए हैं, जिसमें एक वाहन शिवपुरी पुलिस को भी प्राप्त हुआ है। इस वाहन का उपयोग ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कर सकेंगे। इस व्हीकल में GPS, साउंड मीटर, स्पीड रडार में लगे लेजर टेक्नोलॉजी के कैमरे की रेजोल्यूशन 800 मीटर दूर तक की है। इतनी दूरी तक पर ओवर स्पीड से गुजरने वाले वाहन की स्पीड मापी जा सकेगी। इसमें उसे महज 3 सेकंड का समय लगेगा। लेजर कैमरे से 300 मीटर की दूरी से नंबर प्लेट को भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। वाहन में एक रंगीन प्रिंटर भी है, जिससे वाहन चालकों का फोटो व लोकेशन आदि की हार्ड कॉपी भी निकाली जा सकती है। और वहीं हाईवे पर बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी। वाहन को चिन्हित दुर्घटना वाहल्य स्थलों पर तैनात कर ओवर स्पीड से चलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये यातायात ट्रैफिक थाने को ट्रैफिक इंटरसेप्टर एक व्हीकल उपलब्ध कराया है, जिसमें हैवी कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड को 100 या जो आवर स्पीड है उसको मार्किंग करके वहीं पे ही उनको गाड़ी पे रोक के हम लोग चालान कर की कार्रवाई कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे आवर स्पीड से जितने भी हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं या अन्य प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, उसको रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये मध्य प्रदेश पुलिस में 33 जिलों में इस प्रकार का व्हीकल उपलब्ध कराया गया है, जो हमारे ज़िले को उपलब्ध कराया गया था माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। इसका उद्घाटन करके विधिवत हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट और इस प्रकार की जहां ओवर स्पीडिंग और अन्य कारणों से घटना होती है वहां पे इस व्हीकल को तैनात किया है। इसमें हमारे सूबेदार रैंक के एक अधिकारी और हेड कांस्टेबल और दो आरक्षक रैंक के अधिकारियों को जिला PHQ लेवल से उनको ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, जिससे कि हमारे ज़िले में सड़क हादसे की कमी कर सकते हैं। ये क्या सर, 33 जिलों में एक साथ उतारी गई है? हाँ, पूरे सभी जिलों में एक साथ दे दी गई है गाड़ी। अच्छा, में ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी XYZ व्हीकल हो, हमारे कैमरा में एक रडार स्पेशल लगा हुआ है, वो चाहे नाइट में हो चाहे दिन में, उसको नंबर प्लेट को रीड कर लेता है। रीड करने के बाद वो अगर ओवर स्पीडिंग है तो यहाँ पे कैमरे में हमारे यहाँ इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें वीडियो बनता है और बाकायदा उसको दिखाया जाता है कि भाई आप ओवर स्पीड थे, और यहीं के चालान बना दिया जाता है। अगर यहाँ भर रहा ठीक नहीं तो हम लोग ये चालान की व्यवस्था भी महाराष्ट्र गाड़ी तो भी उसके पते पे जाएगा। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।